जहां एक ओर पूरे देश में दीपावली की तैयारियां शुरू हो गई है, तो वहीं इसी के चलते मंदसौर जिले की पिपलिया मंडी में भी मिट्टी के दीपक बनाने वाले कुम्हारों की चाक अब तेजी से चलने लगी है। जहां एक और पूरा परिवार मिट्टी के दीपक बनाने में लगा है, तो वहीं उन्हें इस बार अच्छी बिक्री की भी उम्मीद है। पिपलिया मंडी के फाटक मोहल्ला और टीला खेड़ा में रहने वाले कुम्हार परिवारों का कहना है कि मिट्टी के दीपक बनाने में मेहनत लगती है और वे अभी रोजाना 400 से 500 दीपक बना रहे हैं। वहीं इस काम में बड़ों के साथ घर के बच्चे भी हाथ बताते नजर आ रहे हैं। कोई मिट्टी गूंथने में लगा है तो किसी के हाथ चाक पर दियो को आकार दे रहे हैं। कुम्हार खेमराज कुमार की माने तो उनका कहना है कि मिट्टी लाने और महंगी लकड़ी खरीद कर दीपक पकाने में जो खर्च आता है, उसके बदले आमदनी लगातार घटती जा रही है। एक से दो महीने चलने वाले इस काम से अब उनके रोजगार की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके चलते उनके परिवार को आर्थिक संकट से भी जूझना पड़ता है। उनका मानना है कि आजकल बाजार में इलेक्ट्रॉनिक लाइटें, दीपक और डेकोरेशन के दूसरे कई आइटम आ गए हैं, इस वजह से उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि दीपावली पर ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के दीपक घर में जलाएं, ताकि परंपरा भी बनी रहे और उनकी घर गृहस्थी भी ठीक से चल सके। नहीं तो आने वाले समय में यह मिट्टी के दीपक सभी लोग भूल जाएंगे और सदियों की परंपरा खत्म हो जाएगी। सिटी चैनल के लिए मंदसौर से नरेंद्र राठौड़ की रिपोर्ट। कालूलाल जी, कितने वर्षों से आप दीपक बना रहे हैं? 60 साल से। सर, क्या आप ये बचपन में सीखे हैं? आप माता पिता ये धंधे करते थे पहले, मतलब तो क्या चाइना आइटम आने से आपके को मार्केट में कुछ फर्क पड़ा है? हाँ, बिक्री कम हुई है। हाँ,